गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस, ठीक है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें मैं ओनली 10 क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि हमने पढ़ लिया है, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स तक हम डिस्कस करेंगे, इसमें ओनली 10 एमसीक्यूज हम देखने वाले हैं। तो इसमें पहला है, द फर्स्ट नेशन इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट वेरियस एक्शन प्लान्स एट नेशनल लेवल टुवर्ड्स अटेनिंग रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी इज, मतलब हेल्दी सोसाइटी पाने के लिए वो कौन सा देश था जिसने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया था, एक्शन प्लान्स बनाए थे। तो हमने डिस्कस किया है बहुत अच्छे से। देखिए, इसका ए ऑप्शन है यूएसए, बी चाइना, सी इंडिया, डी रसिया। तो इसका आंसर क्या होगा, इंडिया, क्योंकि हमारे इंडिया में ही सबसे पहले एक्शन प्लान्स बनाए गए थे, राइट। जिसका नाम भी मैंने बताया था बाद में, पहले फैमिली प्लानिंग था, उसके बाद क्या किया गया उसमें सुधार करके RCH, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फुल फॉर्म ऑफ RCH इज, क्या होगी फुल फॉर्म, ए रिप्रोडक्टिव एंड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, बी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, सी रिप्रोडक्टिव एंड क्लासिक हेल्थ प्रोग्राम्स, डी रिप्रोडक्शन कॉमन हेल्थ प्रोग्राम्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा बी, ठीक है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड एंड साथ में चाइल्ड हेल्थ केयर से भी रिलेटेड प्रोग्राम्स उसमें सम्मिलित थे, मतलब जो मदर होती है उससे रिलेटेड एंड जो बेबी होगा, इन्फेंट होगा, उससे रिलेटेड भी प्रोग्राम्स बनाए गए, मतलब उन दोनों के हेल्थ के लिए प्रोग्राम बनाए गए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। According to WHO, reproductive health means a total well-being in all aspects of reproduction. That is, मतलब according to WHO, अगर एक healthy society है तो उसको क्या होना चाहिए, मतलब कोई अगर person healthy person है तो इसका मतलब क्या है, सभी aspect, कौन से aspects हैं इसमें। तो इसमें A option है social, B emotional and behavioral, सी फिजिकल, डी ऑल ऑफ द अबव। तो हम सबको पता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की हमने डेफिनेशन देखी थी कि कोई भी पर्सन है वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कब होगा, जब वो सोशली हेल्दी होगा, मतलब लोगों के साथ उसके रिलेशन अच्छे होंगे, इमोशनली एंड बिहेवियरली, मतलब किस तरीके से बिहेव करता है, एक हेल्दी पर्सन की तरीके से वो बिहेव करे, एंड फिजिकली, ऑफकोर्स फिजिकली भी वो फिट होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, सहेली एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स वाज डेवलप बाई किसके थ्रू, ये डेवलप की गई थी सहेली, जो कि एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है फॉर द फीमेल्स। तो इसके फर्स्ट ऑप्शन है एम्स दिल्ली, बी IICB कलकत्ता, ठीक है, सी CDRI लखनऊ, एंड SGPGI लखनऊ। तो हमें इसका आंसर अच्छे से पता है, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा सी CDRI लखनऊ। तो इसको शायद हमने डिस्कस नहीं किया था, लेकिन अभी आपको याद होना चाहिए कि जो सहेली, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है फीमेल के लिए, वो कहाँ पे बनाई गई थी सबसे पहले, लखनऊ में, वो कहाँ पे, CDRI, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच इज वंस ए वीक पिल, ऐसी कौन सी पिल है जो कि वीक में एक बार ली जाती है। तो सीधी सी बात है, अभी डिस्कस किया, ऑप्शन ए ही सही होगा, सहेली, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, माला डी, माला एन, बोथ बी एंड सी। तो इसका आंसर होगा ए, सहेली, जो कि नॉन क्या है, नॉन हॉर्मोनल है, ठीक है, उसमें कोई नॉन स्टीरोइडल है, एंड ये क्या है, सहेली ही होगी, ठीक है, जिसको लखनऊ में डेवलप किया गया था फर्स्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर 6, द बर्थ कंट्रोल डिवाइस यूज्ड बाय वुमेन इज और आर, मतलब क्या हो सकती हैं, कौन सी बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस। तो इसमें ए ऑप्शन डायफ्राम, बी कॉन्डोम, सी कॉपर टी, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, क्योंकि देखिए सारे के सारे ही इसमें फीमेल यूज कर सकती हैं, डायफ्राम भी लगवा सकती हैं, ठीक है, जो कि खुद से यूज कर सकती हैं, जो फीमेल कॉन्डोम आते हैं वो भी खुद से यूज कर सकती हैं, जो कोपोटी है वो डॉक्टर की हेल्प से यूज की जा सकती है, लेकिन ये फीमेल के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का काम करती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल हैव, क्या होता है इसके अंदर मेनली? प्रोजेस्टेरोन ओनली, क्या सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरोन ही होता है, या फिर एस्ट्रोजन होता है, या फिर सी इसका ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर देखिए ए भी हो सकता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन भी होते हैं, बट एस्ट्रोजन नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका बहुत अच्छा जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, क्योंकि बहुत सारी जो ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनमें कॉम्बिनेशन दिया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉन मेडिकेटेड आईयूडी इज, कौन सी ऐसी आईयूडी है, मतलब इंट्रा यूटराइन डिवाइस, जो कि नॉन मेडिकेटेड है, जो कि कुछ भी रिलीज नहीं करती, जो कि हमने डिस्कस भी किया है, क्या है? ए ऑप्शन है LNG20, बी लिपिस लूप, सी कॉपर टी एंड प्रोजेस्टासर्ट। तो हम सभी जानते हैं कि जो लिपिस लूप होती है वो या तो स्टेनलेस स्टील की बनी होती है या फिर प्लास्टिक की बनी हुई होती है, जो कि कुछ भी रिलीज नहीं करती। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिपिस लूप। क्वेश्चन नंबर 9, ए मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इज, ए आईयूडी, बी ट्यूबेक्टोमी, सी लूप, डी ओरल पिल्स। तो बताइए इसमें कौन सा मेथड होगा, जो कि स्टेरिलाइजेशन का मेथड है, उसके बाद क्या होता है, जो कि बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि वो रिवर्स किया जा सके। ठीक है, बहुत ही पुअर चांसेस होते हैं, तो कौन सा होता है, ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, ये किसके लिए है ट्यूबेक्टोमी, फीमेल के लिए, मेल के लिए क्या होगा, वासेक्टोमी। दो ही तरीके से ऐसे हैं जिनसे क्या कर सकते हैं, परमानेंट जो मेथड होते हैं। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आईयूडी, आपको ये बताना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आया हुआ भी है, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आईयूडी, कौन सा आईयूडी नहीं है, बहुत सिंपल है, अगर अच्छे से पढ़ा है तो आराम से करेंगे। ए है वॉल्ट्स, बी कॉपर टी, सी कॉपर 7, डी मल्टी लोड 375। तो ये जो बी सी एंड डी हैं, ये सारी की सारी कैसी हैं, आईयूडीज हैं, बट जो वॉल्ट है वो क्या है, फीमेल खुद से यूज कर सकती है, जो कि रीयूजेबल है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा आईयूडी नहीं है, तो वॉल्ट यूज मतलब वॉल्ट जो है वो आईयूडी नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको इस क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अगर आप अच्छे से इंटरेस्ट लेते हैं, अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, एंड आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आगे के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।